यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो गाइस यार, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कोई भी गेम खेलने नहीं वाले हैं, बल्कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अगर 10 मिनट इंडोनेशिया खेलते हो तो उसके अंदर आप लोग अपने इंडिया के जो ट्रक्स वगैरह और भी गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो वगैरह हो गई और बसेस जो हो गई, वो सब गाड़ियां अपने 10 मिनट इंडोनेशिया के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है गाइस, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझना होगा तब जाके आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये कौन सी गेम है। तो गाइस ये कोई गेम नहीं है, मतलब ये वही गेम है 10 सिमुलेटर इंडोनेशिया, बट इसके अंदर हम लोगों को ये जो गाड़ियाँ हैं अपने मनपसंद से कोई भी गाड़ी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोग जैसे 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 मैं आप लोगों को बताऊँगा वैसे आप लोगों को करना होगा। तो सिंपली हम लोग अभी चले जाते हैं अपने फ़ोन की होम पे स्क्रीन पे। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये प्रूफ देख सकते हो आप लोग, ये 10 सिमुलेटर इंडोनेशिया है। मैंने गाड़ी का हैंडब्रेक लगाया था, अभी आप लोग देख सकते हो ये कोई फोटो वगैरह नहीं है। तो ये गाड़ी बिल्कुल चालू कंडीशन में है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोन की जो होम पे स्क्रीन है उसके ऊपर, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। तो सिंपली हम लोग यहाँ से सीधे आ जाएंगे बैक अपनी होम पे स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने फ़ोन की होम पे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। उससे पहले आप लोगों को जो 10 सिमुलेटर इंडोनेशिया है उसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चलिए प्ले स्टोर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग सर्च करना है आप लोगों को इंडियन ट्रक बस एड मोड, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि आप लोगों को जो ये है ये वाला सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला जो आप देख सकते हो ना, ये वाला जो सर्च है ये आप लोग सर्च करोगे। तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने वैसे ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा है, और इसी एप्लीकेशन के थ्रू मैं वो वाली जो गाड़ी लेके गया हूँ गेम में, वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू लेके गया। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन, और आपको बताते हैं कि कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस पर स्टार्ट का बटन कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारी गाड़ी हैं, इनमें जो गाड़ी आप चाहो उसी को अपने गेम के अंदर लेके जा सकते हो। तो मैंने जो अभी जो आप लोग गाड़ी देख रहे थे वो, चलो अभी आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ कि वो मैं इसी गेम से लेके गया। तो गाइज़ ये वाली जो गाड़ी है ना, इसको मैं अपने गेम के अंदर अभी लेके गया, तो ये तो ऑलरेडी मेरे गेम में है। तो अभी आप लोगों को, अब मैं कोई और गाड़ी ले जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैवलर वगैरह हैं, टिपर डंपर, बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम अभी कौन सी गाड़ी लेके जाएं, ये जो बिलोरो पिकअप है ना, इनमें से कोई लेके जाता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ, सिखाने के लिए। तो आप लोग अपने मज़े से कोई भी गाड़ी लेके जाओ, तो ये सेम ही है, आप कोई भी गाड़ी लेके जाओ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं लेके जाने वाला हूँ ये वाली गाड़ी अपने गेम के अंदर, इसको हम लोग करेंगे ऐड। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोड पिकअप डीजे रामपुरा, ये जो है ना, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ पे कोई कुछ ऐड वगैरह आती हैं तो ऐड जो है उनको कर देना आप लोगों ने स्किप। तो चलिए गाइस ऐड ख़त्म हो चुके हैं, तो हम लोग ऐड जो है इसको स्किप कर देते हैं। तो ऐड को स्किप करते ही आप लोगों के सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। तो आप लोग सीधे चले जाओगे अपना जो आपके फ़ोन का जो ब्राउज़र है उसके अंदर। तो यहाँ पे लोडिंग होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उसको होने देते हैं। तो गाइस फाइनली लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो लिखा हुआ आ रहा है ना डीजे मोड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हो जो डाउनलोड का बटन है ये वाला, रुकिए रुकिए, ये वाला, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो सिंपली आप डाउनलोड जो नीचे लिख के आ रहा है इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हो ना, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मुझे, मैं ये कर रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से समझा। तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये डाउनलोड्स हो रहा है, अभी शुरू हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग सिंपली फिर से उसी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से क्रॉस करेंगे, ये जो इसका बॉडी का कलर वगैरह है, जो एनिमेशन है, इसको हम लोग फिर से डाउनलोड करेंगे ताकि हमारी गाड़ी दिखने में और भी अच्छी हो जाए। तो गाइस ऐड को कर देते हैं स्किप। सेम वैसे ही हम लोगों को फिर से ब्राउज़र के अंदर जाना पड़ेगा और फिर से ये जो है ना इसको डाउनलोड करना है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से डाउनलोड होता है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से बैक कर देना है। यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हो डाउनलोड का जो आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक और डाउनलोड का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, फाइल जो डाउनलोड हुई है उसको कहीं पर ले जाके नहीं रखना है, ये सीधे अपने आप चली जाएगी हमारी जो फाइल मेजर के अंदर बसड जो बड़ी फाइल है उसके अंदर। तो हम लोग इसको यहाँ से कट कर देते हैं और जाके गेम के अंदर देखते हैं कि हमारी वो जो बिलोरे पिकअप थी वो गेम में आई है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं इसको बैक, में गेम में था, हम लोग रिसेंट में छोड़ के गए थे, यहाँ से एक्सिट कर लेते हैं। तो इसके अंदर एड्स वगैरह तो आती हैं, आप लोगों को पता होगा अच्छे से। तो इसको हम लोग कर देते हैं स्किप। तो सीधे अपने चलते हैं गैरेज के अंदर और देखते हैं कि वो वाली गाड़ी डाउनलोड हुई है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। गाइस चलिए मैं आप लोगों को अपनी सारी गाड़ियाँ पहले दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रूफ हो जाए। ये वाली गाड़ियाँ बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत बहुत बढ़िया बड़ी 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 बसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है, कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ियों का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक और ट्रक है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर ब्रदर लिखा हुआ है, बहुत ही बड़ी गाड़ी है ये भी मैंने डाउनलोड की थी। तो चलिए आगे वाली गाड़ी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बस है, इसको भी कर देते हैं स्किप और चेक करते हैं वो जो गाड़ी हमने डाउनलोड की वो इसके अंदर आई है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रैवलर है, इसको भी छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बस है, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस हमारी जो बलोरो है जिसको हमने डाउनलोड किया था वो फाइनली हमारे गेम के अंदर आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गाइस। तो चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं, गेम के अंदर लेके जाते हैं, ये चलती है कैसे, क्या है क्या नहीं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करोगे ना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो आदमी छोड़ के चले जाओगे कि भाई हमें डाउनलोड करने का पता चल गया। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि एंडिंग में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अभी हम लोग फ्री मोड पर क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये एड्स वगैरह चलती रहती हैं, इन लोगों को आपने ये मतलब सॉरी यार इन जो एड्स हैं इनको स्किप कर देना है आपने। तो अभी देखते हैं कि वो जो गाड़ी थी हमारी गेम के अंदर आ चुकी है या नहीं। तो गाइस फाइनली देख सकते हो जिस गाड़ी को हम लोगों ने डाउनलोड किया था वो गेम के अंदर आ चुकी है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप लोग जो गाड़ियाँ हैं जो भी आप गाड़ी चाहो उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस इसके जो बोनट वगैरह और दरवाजे हैं वो भी अच्छे से खुल रहे हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ में एक कमेंट भी कर देना कि ये जो जानकारी है ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने जैसा बताया स्टेप बाई स्टेप अगर वैसा करते हो तो 100% आप लोग सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।